ये आकाशवाणी रायपुर है। छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन के संग किरण वर्मा के जय जोहार। अब सुनाओ आज के प्रमुख समाचार। सुकमा जिला में सुरक्षा बल और माओवादी मन के बीच मुठभेड़ में 4 ले 5 माओवादी मन के घायल हुए के खबर। रायपुर स्थित चंदखुरी में माता कौशल्या के मंदिर में काली 22 ले 24 अप्रैल तक माता कौशल्या महोत्सव के आयोजन करे जाही। और प्रदेश में अक्षय तृतीया के पर्व काली माटी पूजन दिवस और अक्ति तिहार के रूप में मनाया जाही। अब समाचार विस्तार ले। सुकमा जिला में सुरक्षा बल और माओवादी मन के बीच मुठभेड़ में 4 ले 5 माओवादी मन के घायल हुए के खबर है। पुलिस अधीक्षक सुनील शर्मा हां बताएं कि माओवादी कमांडर कोसी और मंगडू के उपस्थिति के सूचना में थाना कोंटा के अंतर्गत बेलपोच्चा नुलकातोंग गोमपाट क्षेत्र में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल और डीआरजी के जवान मनला रवाना करी गई रहीस। यही दौरान बिहनिया बंडा कन्हेगुड़ा करा सड़क में माओवादी मन गोलीबारी शुरू कर दिन। सुरक्षा बल मन कोतिले करे गए जवाबी कार्रवाई के बाद माओवादी जंगल कोती भाग गिन। सुरक्षा बल हा मुठभेड़ में 4 ले 5 माओवादी मन के घायल हुए के दावा करे है। उन्हें नारायणपुर जिला में सुरक्षा बल हा 5 किलो वजनी प्रेशर कुकर आईईडी बरामद करे है। जिला बम निरोधक दस्ता हा मौकाच मा निष्क्रिय कर दिस। यही जिला में माओवादी मन नारायणपुर ओरछा मार्ग में ग्राम कापसी में माइंस के एक वाहन में आग लगा दिन। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के बिलासपुर कटनी रेलखंड में 5-19 अप्रैल के सिंहपुर स्टेशन में हुए रेल दुर्घटना के सेती रद्दा में रेल के अवई जवई प्रभावित है। काली देर रात ले रेलखंड के एक लाइन में ट्रेन के परिचालन शुरू कर दे है। उन्हें आज नर्मदा एक्सप्रेस और कटनी चिरमिरी एक्सप्रेस ट्रेन ल रद्द कर दे गये है। एकरे संग दुर्ग निजामुद्दीन हमसफर एक्सप्रेस और रायपुर लखनऊ गरीब रथ एक्सप्रेस ल गोंदिया के रास्ते चलाए जाते। इकर अलावा बिलासपुर शहडोल स्पेशल ट्रेन बिलासपुर अनूपपुर बिलासपुर के बीच और शहडोल अंबिकापुर स्पेशल पैसेंजर अनूपपुर और अंबिकापुर के बीच चलही। उन्हें अंबिकापुर ले चलैया अंबिकापुर जबलपुर एक्सप्रेस बिजूरी स्टेशन तक ही चलाया जाही। अब सुनाओ आकाशवाणी के लोकप्रिय कार्यक्रम प्रधानमंत्री के मन की बात में आधारित विशेष श्रृंखला। आज के कड़ी के विषय है प्रधानमंत्री के किसान मन के बीच नवाचार के भावना में विचार। लोग आवाज और सीधा संवाद यानी आपके हम सबके मन की बात। जी हाँ, ऐसे ही करोड़ों लोगों से जुड़ जाते हैं हमारे प्रधानमंत्री हर महीने मन की बात प्रोग्राम के साथ। आकाशवाणी पर यह सिलसिला इस महीने यानी अप्रैल में 100वीं कड़ी के साथ जारी रहेगा। इसी विशेष मौके पर मन की बात कार्यक्रम से प्रधानमंत्री के चुनिंदा संबोधनों को फिर प्रस्तुत किया जा रहा है। इस विशेष कार्यक्रम की 73वीं कड़ी में पेश है प्रधानमंत्री का कोरोना वैक्सीन पर विचार, जिसमें उन्होंने वैक्सीन कूटनीति और भारत की कामयाबी की बात की है। एक दौर था जब भारत दवाओं और वैक्सीन के लिए विशेषकर पश्चिमी मुल्कों पर निर्भर था, लेकिन अब हालात बदल गए हैं। कोरोना की महामारी से जब दुनिया घबराई हुई थी, भारतीय वैज्ञानिकों ने इसे चुनौती की तरह लिया। इसका असर हुआ, भारतीय वैज्ञानिकों ने रिकॉर्ड समय में कोरोना की वैक्सीन बना डाली। इसके बाद हमारे उत्पादकों ने कमान संभाली और वैक्सीन की इतनी खुराकें बनने लगी कि उससे देश में कोरोना टीकाकरण तो तेज हुआ ही, भारत विदेशों को भी वैक्सीन का निर्यात करने लगा। भारत की इस कामयाबी को 31 जनवरी 2021 को प्रसारित मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने यूं याद किया है। जैसे कोरोना के खिलाफ भारत की लड़ाई एक उदाहरण बनी है, वैसे ही अब हमारा वैक्सीनेशन प्रोग्राम भी दुनिया में एक मिसाल बन रहा है। आज भारत दुनिया का सबसे बड़ा कोविड वैक्सीन प्रोग्राम चला रहा है। आप जानते हैं और भी ज्यादा गर्व की बात क्या है, हम सबसे बड़े वैक्सीन प्रोग्राम के साथ ही दुनिया में सबसे तेज गति से अपने नागरिकों का वैक्सीनेशन भी कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन आप मन आकाशवाणी रायपुर ले सुनत हो। अब आगू बढ़बो बाचे समाचार को ती।
रायपुरकरा स्थित भगवान श्रीराम के ननिहाल औ माता कौशल्या के मंदिर चंदखुरी में काली 22 ले 24 अप्रैल तक माता कौशल्या महोत्सव के आयोजन करे जाही। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल काली ए महोत्सव के शुभारंभ करही। 3 दिन के ए महोत्सव में देश और प्रदेश के जाने माने कलाकार मानस गान, भक्ति गीत, नृत्य और भजन प्रस्तुत करही। महोत्सव के पहले दिन काली वाराणसी के व्योमेश शुक्ला और मुंबई के कविता पौंडवाल भक्तिमय गीत और भजन के प्रस्तुति दी। उन्हें दूसरा दिन 23 अप्रैल के मुंबई के रमिंदर खुराना भक्तिमय शास्त्री नृत्य वाटिका और भिलाई के प्रभंजय चतुर्वेदी भजन प्रस्तुत करही। महोत्सव के आखिरी दिन 24 अप्रैल के रायगढ़ के देवेश शर्मा और मुंबई के तृप्ति शाक्या भक्तिमय गीत संगीत और भजन के प्रस्तुति दी। एकरे संग्रह महोत्सव के 3 दिन छत्तीसगढ़ के सुप्रसिद्ध मानस मंडली मंडहाले मानस गान घलो करे जाही। प्रदेश में अक्षय तृतीया के परब काली 22 अप्रैल के माटी पूजन दिवस औ अक्ति तिहार के रूप में मनाया जाही। ए मौका में इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में राज्य स्तरीय बीज पूजा औ माटी पूजन कार्यक्रम के आयोजन करे जाही। ए मौका में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल विश्वविद्यालय के प्रक्षेत्र में बीजा मन के पूजा के बाद खेत में बुवाई करही। मुख्यमंत्री विश्वविद्यालय परिसर में नवा बने कृषक सभागार के लोकार्पण करे के संगे संग महात्मा गांधी उद्यानिकी और वानिकी विश्वविद्यालय के कैंप कार्यालय के उद्घाटन करही। एकर अलावा श्री बघेल कृषि महाविद्यालय परिसर में नवा बने क्लस्टर क्लासरूम के घलो लोकार्पण करही। कार्यक्रम के दौरान श्री बघेल विश्वविद्यालय डहाले उत्पादित उन्नत किस्म के उच्च गुणवत्ता युक्त और प्रमाणीकृत बीजा मन के इंदिरा बीज ब्रांड नेम के लॉन्च करही। उन्हें कृषक सम्मेलन में किसान मनला उन्नत बीज पौध सामग्री और कृषि उपकरण दी। भारतीय सेना में अग्निवीर सैनिक बने बर छत्तीसगढ़ के नौजवान मन में भारी उछाह दिखा थे। अग्निवीर सैनिक के भर्ती बर ऑनलाइन परीक्षा 5-17 अप्रैल ले शुरू हो गए है जौन 26 अप्रैल तक चलही। ए दौरान ए परीक्षा हर एक दिन 3 पाली में होही। उम्मीदवार अपन प्रवेश पत्र भारतीय सेना के वेबसाइट ले डाउनलोड कर सकत हैं। राज्य में ऑनलाइन परीक्षा बर रायपुर भिलाई और बिलासपुर में केन्द्र बनाए गए है। रायपुर स्थित सेना भर्ती कार्यालय के प्रभारी अधिकारी राधेश्याम बताएं कि 24 ले 26 अप्रैल तक अग्निवीर धर्मगुरु और फार्मेसी सहायक के पद में भर्ती पर परीक्षा ले जाही। जशपुर जिला के विशेष पिछड़ी जनजाति पहाड़ी कोरवा और बिरहोर जनजाति के 142 युवा मल्ला सहायक शिक्षक के पद में नियुक्ति दे गए है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल है आज रायपुर स्थित अपन निवास कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में ये युवा मल्ला वर्चुअल रूप ले नियुक्ति पत्र बांटिन। आखिर में प्रमुख समाचार एक घौं फेर। सुकमा जिला में सुरक्षा बल और माओवादी मन के बीच मुठभेड़ में 4 ले 5 माओवादी मन के घायल होए के खबर। रायपुर स्थित चंदखुरी में माता कौशल्या के मंदिर में काली 22 ले 24 अप्रैल तक माता कौशल्या महोत्सव के आयोजन करे जाही। औ प्रदेश में अक्षय तृतीया के परब काली माटी पूजन दिवस और अक्ति तिहार के रूप में मनाए जाही। एकरे संग छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन इहे सिरावत है। जय जोहार।